दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिस्टर न्यूज़ टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। शहर में ब्लड के इमरजेंसी केसेस को देखते हुए मऊ की सामाजिक संस्था रे ऑफ यूनिटी के तत्वाधान में रविवार को प्रकाश हॉस्पिटल में रक्तदान महादान शिविर आयोजन किया गया। जैसे कि मऊ और आसपास में बढ़ती ब्लड की कठिनाइयों से परेशान लोगों को उम्मीद की एक किरण देने का काम किया गया। आज लगभग एक दर्जन लोगों ने रक्तदान किया, जिनमें रे ऑफ यूनिटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष बिलाल अहमद ने 50वीं बार ब्लड देकर कीर्तिमान रचा। वहीं प्रवक्ता ओबादा हारिस, जोहैब सरदार, मोहम्मद आदिल चांदनी, सादाब अनवर, उमर अंसारी, मोहम्मद उसैद, वसीम अहमद, मोहम्मद अमास आदि ने भी रक्तदान किया। उसी बीच अदरी से आए हुए इम्तियाज अहमद के वालिद हमीदुल्लाह 72 वर्षीय को संस्था ने ब्लड देकर उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वालों में रे ऑफ यूनिटी के अध्यक्ष जमाल अख्तर अर्पन, कोषाध्यक्ष आबिद आजमी, प्रबंधक सलमान अब्रार, महमूद आलम आदि व शहर के वरिष्ठ समाजसेवी लोग उपस्थित रहे। दोस्तों खबरें अच्छी लगें तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद रिहान, उत्तर प्रदेश मऊ से। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अमाद है। आज कहाँ पे आए हो और क्या हो रहा है? प्रकाश हॉस्पिटल में आए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या मकसद था ब्लड डोनेट करने का? अरे क्या मकसद, कुछ नहीं, बस बोला गया था किसी को ज़रूरत है तो जाओ। अच्छा, लोगों को मतलब जरूरत थी, आप उसके लिए आए थे यहाँ पर। तो अभी आपका ब्लड निकाला गया है तो कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, मतलब कोई तकलीफ नहीं, बस थोड़ी सी चुभी है और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। रे ऑफ यूनिटी की तरफ से ये हर 3 महीने पे ये ब्लड डोनेट कराया जाता है, तो किस नज़र से इसको देख रहे हो? अरे ये जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत लोगों को फायदा होगा, जिसको ज़रूरत होगी वो आके संपर्क करेंगे, मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज आप आए हैं, आप खून दे रहे हैं, तो इससे लोगों का भला होगा जिसको? हाँ बहुत भला होगा जी। तो क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आपके जैसे बहुत से नौजवान लड़के हैं? अरे उनको भी देना चाहिए, उसके उनके लिए भी फायदेमंद है, लोगों के लिए भी है। ठीक, क्या नाम है? फहद अतीक। कहाँ पे आए हुए आज? प्रकाश हॉस्पिटल में। आज ब्लड निकाला गया है आपका, क्यों निकाला गया है या क्या मकसद था इसका? जी ब्लड निकाला गया है, अच्छा ही लग रहा है। कोई सुस्ती या फिर कमजोरी टाइप कुछ ऐसा? अच्छा ये बताइए कि ब्लड निकलवाए हैं तो आपको पता होगा कि क्या कुछ इससे फायदे होंगे आपको? इससे दूसरों को फायदे होंगे, जिसको ब्लड की जरूरत होगी उनको संस्था देगी। हाँ, तो बहुत से आपके जैसे नौजवान लड़के हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि वो लोग भी इसी तरह करके लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते रहें? जी उनको भी आना चाहिए। यस, तो उनको भी आना चाहिए। तो उनसे एक बार अपील कर दीजिए कि आप सभी लोग आइए। आप सब लोगों को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे लोगों का भी फायदा होगा। जी सलमान भाई, आज किस तरह का ये कार्यक्रम था आप बताएं थोड़ा? ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम था जी, और ये रे ऑफ यूनिटी की तरफ से था। ये हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट का एहतमाम किया जाता है रे ऑफ यूनिटी की तरफ से जी, जिसमें हम अपने कम्युनिटी और गिरदोपेश के जो नौजवान हैं जी, उनको उत्साहित करते हैं अपना ब्लड दान करने के लिए, देने के लिए, ताकि इससे दूसरों की जिंदगियां बचाई जा सके जी। तो कितने आज लोगों ने डोनेट किया है ब्लड? तकरीबन 9 या 10 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, और उसमें ज्यादातर नौजवान बच्चे हैं। जो नौजवान लड़के हैं या फिर जो भी लोग हैं, उनको किस तरह से आप जागरूक करते हैं ब्लड के लिए, ताकि वो भी आगे आएं? इसके लिए हमने बहुत पहले अपने रे ऑफ ह्यूमिनिटी का जो सेंटर है जी, एमए फाउंडेशन, वहाँ पे प्रोग्राम रखा। वहाँ पे हमने जो धर्म गुरु हैं, जो आलिम दीन हैं, उन लोगों को भी बुलाया, जो सियासी और समाजी लोग हैं उन लोगों को भी बुलाया, और सब लोगों ने अपने तई अपने धर्मगुरु लोग जो थे उन्होंने मजहब के ताल्लुक से इस पे बात की, जो सियासी और समाजी लोग थे उन्होंने समाज और समाज के तई इसमें बात की। इसके तवस्सुत से समाज के जो नौजवान लोग हैं
उनको जगाने और बेदार करने का काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत फ़ायदा भी हमको मिला जी। आज अच्छी खासी तादाद में हमारे नौजवान बच्चे ब्लड डोनेट कर रहे हैं और इनको देख के दूसरे लोग भी सबक हासिल कर रहे हैं और इससे बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा रही हैं। हम लोगों ने जो इस फील्ड के मेडिकल फील्ड के लोग हैं जी उनसे आपस में सलाह मशवरा किया और फिर उन लोगों को ला के एमए फाउंडेशन का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें समाज में ये पैगाम आम करने की कोशिश की गई कि ब्लड देने से आपका कोई जिस्मानी नुकसान नहीं होगा जी, बल्कि उससे आपका फायदा ही होगा। आपके जिस्म से जो ब्लड है वो निकलेगा, उसकी जगह पे नया खून आपकी रगों में दौड़ेगा और आपका खून दूसरों की रगों में दौड़ेगा तो उससे कई जिंदगियां बचेंगी, लोग आपको दुआएं देंगे। जैसा कि आपका संस्था हर 3 महीने पे काम करती है तो जो अगर किसी लोगों को किसी को भी जरूरत है, जरूरतमंद लोग हैं तो उनको आप तक कैसे संपर्क करना चाहिए उसके कुछ? हमारे जो मेंबरान है उसमें से किसी से भी वो रब्ता कर सकते हैं जी। बिलाल जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था को चलाने में, लोगों तक ब्लड डोनेट करने में, लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए उभारने में जी। तो हम लोग इनके तवस्सुत से जहां भी जरूरत होती है शहर में और शहर से बाहर भी लोगों को ब्लड पहुंचाने का या उसका इंतजाम मतलब उनको ब्लड मुहैया कराने का इंतजाम किया जाता है। वक्तन फवक्तन शहर और जिला से बाहर भी इसका एहतमाम किया गया है। क्या रिस्पांस नजर आता है इसका? रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है जी। अब जिनको अभी आज ही का एक वाकया बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे ये मोहल्ले यहाँ पे करीब का कस्बा आदरी जो है वहाँ पे 2 लोग आए ब्लड देने के लिए एक बुजुर्ग को, तो दोनों लोग ही उनके रिश्तेदार थे, अच्छे खासे अट्ठे खाटे तनोमंद लोग थे, लेकिन अब वो लोग ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हमारे जो कारगुजार सदर हैं बिलाल भाई इनसे बात की, बिलाल भाई ने फौरन इनके लिए ब्लड का इंतजाम किया। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें घर के 5-6 मुस्टंडे नौजवान खड़े रहते हैं लेकिन ब्लड कोई डोनेट नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है और एक खिदमत खल्क का जज्बा अगर आपके दिल में नहीं है, आप समाज को अगर फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं तो फिर आप बेकार हैं जी। क्या संदेश देंगे लोगों को? शुरू से हमारा पैगाम यही रहा है कि हमारे जो नौजवान हैं वो ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कामों में हिस्सा लें और इस तरह का काम करते रहें और दूसरों को भी इसके लिए उकसाते रहें। इंशाल्लाह इसका फायदा उनको इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में जो मिलना है वो तो मिलेगा ही इंशाल्लाह। ठीक।